मैं ताकीरपाल कर जाना है, लम्मा चौड़ा सागर जेड़ा, हौले हौले तर जाना है, लम्मा चौड़ा सागर जेड़ा, हौले हौले तर जाना है। जीवन दी राह विच आई मौत मोई ने मर जाना है, जीवन दी राह विच आई मौत मोई ने मर जाना है, जीवन दे नक्श अंदर रंग सावन दा पर जाना है, जीवन दे नक्शे अंदर रंग सावन दा पर जाना है। वाड़ी सारी उम्रा पोगी रहना नहीं ये कर जाना है, वाड़ी सारी उम्रा पोगी रहना नहीं ये कर जाना है। किरपाल दी चर्चा होनी है जा जिन्ना नाम जप जाना है, किरपाल दी चर्चा होनी है जा जिन्ना नाम जप जाना है। कोई मेरा आना रोके जाना है सच मुझ जाना है, कोई मेरा राना रोके जाना है सच मुझ जाना है। तोरो मैनू हंस के तोरो अपने ही मैं कर जाना है, तोरो मैनू हंस के तोरो अपने ही मैं कर जाना है। जद भी चाहेगा जाए अब खाली पिंजर कर जाना है, जद भी चाहेगा जाए अब खाली पिंजर कर जाना है। कौन कहे मैं मर जाना है, मैं ताकीरपाल
गुरु प्यारे सत्संग जी, सत्संग का समय हो गया है। जो बहन भाई सेवा नहीं कर रहे, अपने कमरों में बैठे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, उनके चरणों में बेनती है कि गुरु प्यार के शब्द बोले जा रहे हैं, पंडाल के में आके बैठे गुरु प्यार के शब्द सुने। इसके अलावा पंडाल के अंदर भी आवाज आ रही है, तो आप सभी के चरणों में बेनती है कि कोई भी पंडाल के अंदर बैठ के इधर उधर की बातें मत करें, जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको आराम से सुने। धन्यवाद। थोड़ा कन्नड़ में बोल देना आवाज। जो बहन भाई नीचे बैठ सकते हैं, वो नीचे बैठे जैसे नॉर्मल रखे, पीछे कुर्सियां लेके बैठ जाते हैं। ये कुर्सियां बुजुर्गों के लिए लगाई गई हैं, जिनसे बैठा नहीं जाता नीचे। तो कृपया जो युवा है, बहन है, भाई है, जो नीचे बैठ सकते हैं वो कुर्सियों पे ना बैठे, ये बुजुर्गों के लिए। मैं तो तिरपाल से भी छोड़ के रोई रे, मैं तो तिरपाल से भी छोड़ के रोई रे, बिया से बिछोड़ के इस जग आई, दर दर भक्त की ठोकर खाई, पिया से बिछोड़ के इस जग आई, धर धर भट की ठोकर खाई, बात न पूछे कोई ते, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, बिन पिया के मैं तड़प रही हूँ, दर्शन को मैं तरस रही हूँ, बिन पिया के मैं तड़प दर्शन को मैं तरस रही हूँ, बैरन दुनिया होई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, आऊं जाऊं मैं दुख पाऊं, बिछड़ पिया से मैं पछताऊं, आऊं जाऊं मैं दुख पाऊं, बिछड़ पिया से मैं पछताऊं,
काल देश में खोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, संग बसे मेरे मैं क्या जानू, मैं पगली पीर ना पहचानू, संग बसे मेरे मैं क्या जानू, मैं पगली पीर ना पहचानू, कृपाल से बात ना होई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, कोई ना जाने देश पराया, तोड़ दिता मोड़ लैन नया, कोई ना जाने देश पराया, तोड़ दिता मोड़ लैन नया, जीवाना मोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, राह भूल गई मैं किस रायावा, आके ले चल कर ले पावा, राह भूल गई मैं किस रायावा, आके ले चल कर ले पावा, मुश्किल दाढ़ी होई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, मैं पापण लू गल नाल लाल, अपने बेड़े विच बिठा ले, मैं पापण नू गल नाल लाल, अपने बेड़े विच बिठा ले, अजायब कृपाल दी होई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के रोई रे, मैं तो कृपाल से बिछुड़ के
राधा स्वामी संतों की बाणी पाणी पर साहिब जी की कुंडलिया योग जुगत ना ज्ञान कछू गुरुदास ने को दास योग जुगत ना ज्ञान कछू गुरुदास ने को दास परम संत सतगुरु पंडित साहिब करते हैं सब संत महात्मा भक्ति की महिमा करते आए हैं। संत मत सिद्धांत भक्ति का रास्ता है, इसमें योग वैराग्य जप तप और प्राणायाम इन सब चीज की जरूरत नहीं है। संत जो हमें उपदेश देते हैं वो सुप्त शब्द उपदेश सुर शब्द योग सुर को शब्द से जोड़ना और नामदान के समय हमारे दोनों आंखों के बीच में यहाँ आत्मा भी है शब्द भी है वो शब्द सतलोक सत्खंड से आके यहाँ टिका हुआ है जो 24 घंटे संस्कार दे रहा है लेकिन हमारा मन बाहर मुख होने से वो हमें सुनाई नहीं देता है। वही जब हमारा मन अंदर मुख होता है तो सुनाई देता है। तो इसीलिए संत क्या करते हैं जो शब्द हमारे 10वें दरवाजे में संकार दे रहा है आत्मा भी वही है शब्द भी वही। नामदान के दिन अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और वही सच्चा नाम दान होता है। वो शब्द से जोड़ने से ही वो शब्द ही हमारी रक्षा करता है। वो शब्द सृष्टि का सृजनहार है जिसने ये सब दुनिया बनाई है और वही शब्द सतलोक सत्खंड से आके हमारे दोनों आंखों के बीच में तीसरे दिल में टिका हुआ है 24 घंटे धनकार दे रहा है। तो कहते हैं उस हमारी आत्मा को संत शब्द से जोड़ते हैं और उस शब्द को सुख प्रकट करने का तरीका साधन बताते हैं। जैसे दुनिया का सुमरण दुनिया का ध्यान करके हमारा मन बाहर मुख हुआ है अब उस प्रभु नाम का सुमरण सदगुरु का ध्यान करके उसको अंतर मुख लाते ये प्रक्रिया थोड़ा देर होती है क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आंखों के नीचे और पैरों के तलों हाथों के उंगली से हमारी रूह जो सिमटाव करती है इसको पिपल का मार्ग कहते हैं चींटी का मार्ग पिपल का कहते हैं चींटी को तो स्लो होता है। जब हमारा दोनों आंखों के बीच में मन स्थिर हो गया सुमरण अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा चढ़ाई होने लगती है हाथ पैर जुम जुम करके दोनों चारों सुन्न होना चाहिए भजन में कोई एक पैर सुन्न हो जाए कोई एक हाथ सुन्न हो जाए तो वो चढ़ाई नहीं करती। चढ़ाई का मतलब है कि दोनों पैर दोनों हाथ हाथ चारों सुन्न होना चाहिए एक ही टाइम में हाथ और पैर से रूप ऊपर चढ़ाई कर तब ये सुन्न होते जाते हैं और धीरे धीरे सिमट के जब 10वें दरवाजे तक आ जाती है तो हमारा शरीर सो जाता है माने सुन्न हो जाता है तब हमारी तीसरी आंख खुलती है। जब जबान बंद हो जाती है बुद्धि लय हो जाती है तब अनुभव स्टार्ट होता है। इसीलिए अगर खाली सुमरण के पीछे ही रहेंगे और उस शब्द से हमारा कनेक्शन नहीं है तो भी काम नहीं होता।
इसीलिए संत शब्द से कनेक्शन लेके रखते हैं कि जिस समय जबान बंद होती है, मन लय हो जाता है, बुद्धि लय हो जाती है, तब वो शब्द प्रकट होता है जिससे गुरु ने जोड़ा है, वो लाइट प्रकट होती है और उसी के आधार पे हमारे विचार करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इसीलिए कामिल मूर्ति पूरा गुरु के बगैर ये काम नहीं हो सका। कितने योगी जपी तपी प्राणायाम साधन करने वाले थक गए अपने मन को बस में करने के लिए, लेकिन मन बस में नहीं आया। 80,000 बरस 60,000 बरस ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया, रिद्धियां सिद्धियां मिली, लेकिन मन बस में नहीं आया। क्यों? मन ब्रह्म से आया हुआ है। हम बहुत प्राणायाम साधन करके चले, अंदर आते ही रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। अब रिद्धि सिद्धि का मालिक कौन है? गणपति। अगर हमारा कमर तक भी शरीर सुन जाए तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम अंधे होते हैं, हमारी आंख खुली नहीं होती, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। किसी को आंख दे देना, किसी का पैर ठीक कर देना, किसी की बीमारी दूर कर देना, तो लोग महात्मा समझते हैं। लेकिन वो भी अंधे होते हैं, उनकी अभी तीसरी आंख नहीं खुली होती। गणपति ये रिद्धि सिद्धि के मालिक गणपति है। गणपति के पास तक हमारा शरीर सुन हुआ, गणपति खुश हो जाते हैं। और आठ सिद्धि नौ निधि वो मिल जाता है। आठ सिद्धियां हैं और नौ निधि नौ लक्ष्मी है जिसकी लोग पूजा करते हैं, तो वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, तब से वो आपका मदद करते हैं। सिद्धियां भी, रिद्धियां भी, लक्ष्मी भी। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से दसवें दरवाजे तक आना बहुत टाइम लग जाता है। जैसे रूप चढ़ाई किया कर रहा है, हमें थोड़ा आनंद आ रहा है, इतने में कोई संकल्प आ गया, रूप नीचे गिर जाता है। फिर हम प्रयत्न करके साधन करके मन को रोकने की कोशिश करते हैं नाम सुमरन में, फिर मन जब थोड़ा नाम में टिकता है, रूप चढ़ाई करने लगती, इतने में कोई संकल्प आ गया, रूप नीचे गिर जाता है। महाराज उदाहरण देते थे, ये ऐसी है जैसे एक पेड़ के ऊपर फल पका है और चींटी चित्त ज्ञानी होती है, तो उसको मालूम हो जाता है कि ऊपर फल पका है और वो नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है चींटी, और हवा का झटका लगता है, गिर पड़ती है। लेकिन चींटी बहुत हठी होती, विश्वास होता है, फिर चढ़ाई करती है, फिर गिर पड़ती, सारा दिन भी लग जाए लेकिन छोड़ती नहीं, और कैसे कैसे भी ऊपर चढ़ाई करके जाके उस फल के पास पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये नौ दरवाजे से दसवें में आना ये पिपल का मार्ग, कीटी का मार्ग, बहुत लंबा समय चला जाता है, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अभी नाम लेके 5-7 साल हो गया, अभी कुछ अनुभव नहीं, कुछ दिखता नहीं, कोई कैसे दिखेगा। आप लगन लगाओ, सदगुरु का रात दिन उसकी याद में रहो, तब तो चढ़ाई होगी। हम तो दुनिया की याद में रहते हैं, रात दिन जब जो है दुनिया का स्मरण करते हैं, और हम आधा घंटा आंख बंद करके घंटा बैठते हैं, से क्या होता है? पासन का भी नहीं होता है, अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसके लिए गुरुमुखों ने रात रात भर जागा, रोए सदगुरु को अंदर प्रकट करने के लिए, तब जाके कुछ बरस में सफलता मिली है। किसी को भजन के बगैर सफलता नहीं मिली है,
जितने भी संत महात्मा हो गए उन्होंने कमाई किया है, मांगने से दया नहीं मिलती है, भजन करने से दया मिलती है। भजन आप कहीं कोने में बैठ के भी करो, गुरु आपके अंदर ही बैठा है, उसको सब पता है, वो जरूर दया करता है। लेकिन भजन करने के बगैर अगर हम मांग पे मांग करते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती, क्यों? हमारा भक्ति पाशंका भी नहीं है। हालांकि मालिक भक्त अच्छल है, भक्तों के पीछे पीछे परमात्मा भागता है, गुरु भी ऐसा ही है, लेकिन किनके पीछे? जो रात दिन दुनिया को छोड़ के रात दिन सदगुरु के चरणों से अपने प्रेम प्यार को जोड़ दिया, रात दिन उसकी याद में रहते, ऐसे गुरुमुखों के पीछे गुरु भी भागता है, जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है। जब नया बच्चा भागता है तो गाय भी पीछे पीछे भागती है, उसकी रक्षा करके। ऐसे गुरु भी अपने शिष्य के पीछे पीछे भागता है, लेकिन कब? इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काजन सरी है, जीव प्रलय हो जाए। गुरु से लगन कठिन जरूर है, लेकिन जब तक लगन नहीं लगेगी, रात दिन हम अपने सदगुरु की याद में नहीं रहेंगे, तब तक काम भी नहीं बनेगा। क्यों? लगन लगना क्यों कठिन है? कि हम इसी जन्म में दुनिया में नहीं आए, करोड़ों जन्मों से आज हम इसमें चक्कर लगा रहे और रात दिन दुनिया के चिंतन से जुड़े हुए, करोड़ों जन्मों से वो कर्मों की मैल मन पे चढ़ी है, मन मलिन हो चुका है। और इसलिए इस दिन नहीं हो पाता है। हम ध्यान में बैठते हैं, सुमरण करने की कोशिश करते हैं, मन एक सेकंड नहीं दिखता है, भागते रहता है, दुनिया की सुमरण में घूमते रहता है। क्यों? मन मलिन है। इसीलिए मन को निर्मल करने के लिए संतों ने पांच नाम का सुमरण, सदगुरु का ध्यान दिया। पांच नाम का सुमरण दूसरे सुमरण को रोकता है, सदगुरु का ध्यान दुनिया के ध्यान को रोकता है, हटाता है, जिससे मन निर्मल होता है। और मन निर्मल होएगा तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे कितने साल भी बीत जाए, और मन को निर्मल करने के लिए संतों ने यही तीन रास्ते बताए, सुमरण ध्यान भजन। भजन करते हैं अपने अंदर जो शब्द हो रहा है उसको सुनना, उसके प्रकाश को देखना, क्योंकि शब्द में लाइट भी है, प्रकाश भी है, साउंड भी है, शब्द भी है, तो उसको देखने और सुनने की विधि को ही भजन कर। हम ढक्की ताल लेके बाहर जाके मंदिरों में बैठ के कुछ भक्ति के गाने गाने को भजन कह देते, वो भी एक भजन है, बाहरी भजन है। वो कब तक मन आपका आनंद आता है मन में? जब तक वो भजन चलते रहता है। भजन बंद हो जाता है तो आनंद चला जाता है, लेकिन ये अंदर का भजन ऐसा नहीं है। अंदर का भजन बहुत ऊंचा है, अगर थोड़ा भी हमारी रूप शब्द से जुड़ गई, थोड़ा अंदर का आनंद मिल गया, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं, वो ऐसा निर्मल है। तो उसमें और ये बाहरी भजन में बहुत फर्क है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब हम दोनों आंख कान बंद करके भजन बैठते हैं तो उस समय हमें सुमरण करने की जरूरत नहीं है,
हमें खाली दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को टिका के देखना और सुनने की जरूरत है। अगर कुछ दिखता नहीं तो सुनाई नहीं देता, बल्कि सुमरन करते मत बैठो। सुमरन ध्यान के समय सुमरन ध्यान करो, भजन के समय सुमरन कहते हैं सुमरन नहीं, ध्यान और धुन। आपका लक्ष्य दोनों आंखों के बीच में हो और उसको सुनने और देखने की कोशिश करो। अंधेरा है कोई बात नहीं, देखते रहो। तो इससे हमारी सुरत और निरत आत्मा के दो अंग है। आत्मा सत और प्रकाश रूप है, लेकिन आत्मा को आत भी है, कान भी। आत्मा को दिखाई भी देता है, सुनाई देता है। तो देखने वाली ताकत को निरत करते हैं, सुनने वाली ताकत को सुरत करते हैं। तो जब हम आंख कान बंद करके अपने ध्यान ऊपर चढ़ा के देखने सुनने की कोशिश करते हैं, तो आत्मा के दो अंग हैं वो अभी अज्ञान रूपी अवस्था में पड़ी है, वो जागृत होती है, धीरे 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 जागृत होती है। और वो जागृत होगी तो ही हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होगा। इसीलिए भले 10 मिनट करो, लेकिन भजन में भी बैठो। हाँ, तो इसीलिए संतों ने हमारे मन को निर्मल करने के लिए ये 3 साधन कलयुग में अपनाए। सुमरण, सदगुरु का ध्यान और भजन। इसके अलावा कुछ नहीं करने का। आचार विचार व्यवहार सब झूठे। आपको अपने मन को निर्मल करना है, मन को वैरागी बनाना है। शरीर को वैरागी बनाने से फायदा नहीं है। हम तो शरीर को वैरागी बना लेते हैं, रुद्राक्ष पीला कपड़ा पहन लेते हैं, जंगल पहाड़ों में जाके या मंदिरों में रहते हैं, लेकिन मन को परिवर्तन नहीं करते हैं। कहते जो दोष है मन के अंदर है, शरीर पे नहीं है बेचारा। महाराज एक कहानी बताते थे। एक बुढ़ी थी, उसने अपने अकेली थी बेचारी, मजदूरी करते थे, तो उसने एक बकरा और एक बंदर पाला था। और उसके घर के बीच में दरवाजा, दोनों तरफ खिड़की थी, छोटा सा मकान। तो जब वो मजदूर पे जाती थी सवेरे, तो एक तरफ बंदर और एक तरफ बकरे को अंदर बांध के जाती ताला मार, नहीं तो बच्चे लोग मस्ती करेंगे छोड़ देंगे। उसको उनसे बड़ा प्रेम था, तो ऐसी तरह से चल रहा था। एक बार जैसे त्योहार आ गया, अब त्योहार में लोग कुछ मीठा उठा बनाते हैं, तो उत्तर भारत में पूरी भाजी खीर। तो बुड्ढी ने तीनों बनाया, पूरी बनाई, भाजी बनाई, खीर भी बनाई। और सोचा इसके साथ थोड़ा दही रहेगा तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब दही के लिए बेचारे को दुकान में जाना पड़ा। तब उसने क्या किया, अंदर में एक तरफ बकरे को एक तरफ बंदर को बांध दिया, बाहर से ताला लगा के चली, और दोनों खिड़की खुला था। अब बंदर को तो पूरी का बास आ रहा था, खीर का बास आ रहा था। बंदर पहले ही चंचल होते हैं, अब वो इधर उधर छटक छटपटा के अपना हाथों से अपना सरपड़ी निकाल दिया और गया। जितना चाहे उतना पूरी जल्दी जल्दी खाया, खीर नीचे गिरा दिया, थोड़ा पिया क्योंकि गरम गरम था ना, ठंडा करके पिया। और फिर पूरी खीर जितना चाहिए उतना पिया, बेचारे का छोटा सा पेट कितना खाए। उसने 2 टाइम का ही बनाया तो वो भी एक ही है,
तो बाद में वो देखा ये बकरा भी उपवास है बेचारा, तो उसकी रस्सी छोड़ दिया, बकरे गले की रस्सी छोड़ दिया। और आप कैसा कैसा करके अपना सरपंच अपने गले में डाल दिया और उछल के खिड़की पर बैठ गया। अब ये जो कुछ बचा हुआ था बकरे ने सर्ट कर दिया, सब बर्तन इधर उधर बिखर गए। अब बुढ़ी बिचारी दही लेके आई, अब दही दरवाजा खोल के अंदर जा रही है तो बर्तन सब बिखरा हुआ गिरा हुआ और बकरा अंदर घूम रहा है। उसने बोला ये बकरे ने क्या काम किया, जिस बरस 6 महीने में त्योहार आया था, मैंने आज मीठा खाएंगे बोल के हम सब इतना मेहनत करके 4 बजे उठ के बनाया और ये बकरे ने सब सत्यानाश कर दिया। गुस्सा है वो बाहर से गई इतना बड़ा लकड़ी लेके, अंदर से दरवाजा बंद किया और बकरे को मारने लगी। बकरा मैं करे भागे, क्या करे बेचारा दरवाजा बंद है, मैं करे भागे चिल्लाए भागे। अरे बंदर आराम से हंस रहा है, उसको मार पड़ रही, ये हंस रहा है ऊपर बैठ। इतने में वो बगल वाली माई, वो खिड़की खुला रहने से उसने यह सब तमाशा बंदर का देखा था, तो जब हल्ला गुल्ला हुआ बकरे को मारने लगी, बकरा चिल्लाने लगा तो भाग के आई बुढ़ी बगल वाली, बोलते अरे आज ये क्या कर रही, बोले क्या कर रही ये बकरे ने सब सत्यानाश किया। तो वो कहते है कि आज ये उसका काम नहीं है, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, आप जाते ये चटपटा के अपने सरपणी निकाल लिया और जितना था उतना खाया और पेट भर गया तो बकरे का रस्सी छोड़ के आप गले में सरपणी डाल के खिड़की बैठ के हंस रहा, उसको मार पड़ रही और ये हंस रहा है देख। तब जाके बुढ़ी को पता लगा ये सब काम बंदर का है। तो सावन सिंह महाराज एक कहानी बताते थे उदाहरण देने के लिए, यही हाल हमारे मन की है। जो कुछ दोष है जो कुछ कर्म कराता है मन कराता है, मार किसको पड़ती है शरीर को, पुलिस पकड़ के ले जाके किसको मारते हैं शरीर को दंड देते, ये बकरा है बेचारा। और मन बंदर है, करता करवाता सब मन है, मार शरीर को मिलता है बकरे को मिलता है, ऐसी ये कहानी है। क्योंकि जो भी दोष है मन में है, इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा ना मन ना रंगाए जोगी रंगाए जोगी कपड़ा ही होगी, जिस मन को उस मालिक के नाम के रंग से रंगना था तो तुमने कपड़े को कलर लगा लिया रंग दिया, कपड़े को मालिक नहीं मिलता तो वो फट जाएगा, फिर फेंकना पर दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है। अब संत जो हैं सब दोष मन में है और मन की सफाई के लिए ही संत सुमरण ध्यान भजन दिया है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आएगा, हम जहां थे वही रह जाएंगे। और परिवर्तन आने के लिए नाम सुमरण और भजन की जरूरत है, इसीलिए महात्मा बार बार कहते भाई सुमरण करो सुमरण करो। अजय सिंह महाराज ने भजन में भी लिखा है सुमरण करते चले चले तो मंजिल खुद मिल जाती है। आप सुमरण के पीछे पढ़ो 5 नाम के सुर, तो जहां से हम आए वहां खुद और सुमरण ही लिखे हैं। सुमरण ध्यान हमें 9 से 10 तक लेके आता है और यहाँ जब आते हैं जब सदगुरु ज्योति प्रकट हो जाती है अनंतनाथ प्रकट हो जाता है तब हमारा काम बन जाता है। हमारे घर में जो करोड़ों जन्मों से
अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश ज्ञान का उजाला हो जाता है। तो आंख बंद करो उजाला ही उजाला, आंख खुला करो उजाला ही उजाला, लेकिन अंदर प्रकाश हो। गुरु का काम क्या है? अंधकार में प्रकाश करने वाली शक्ति का नाम ही गुरु है। गुरु अंधेरे में प्रकाश करने वाली शक्ति है। तो कहते हैं तब जब हम गुरु का भजन करेंगे, उनके हुक्म को मानेंगे, अंदर जाएंगे, तो हमारे अंदर वो शब्द और ज्योति प्रकट हो जाएंगे और गुरु भी प्रकट हो जाएगा। वो गुरु एक सेकंड भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। लेकिन एक बार गुरु अंदर प्रकट होना जरूरी है। इसीलिए महात्मा कहते हैं पहले संत मत की भक्ति गुरु भक्ति है। गुरु को अपने अंदर प्रकट करना, गुरु को प्रकट कर दिया आपकी ड्यूटी समाप्त है, तो आगे गुरु की ड्यूटी हो जाती है, वो खुद लेके जाता है ऊपर। आपकी ड्यूटी भजन करके 9 से 10 में आना, आगे गुरु की ड्यूटी है, वो सब देख लेगा। गृहस्थ में भी आपकी मदद करेगा, दुनियादारी में भी, लेकिन गुरु को प्रकट करना जरूरी है। इसीलिए एक बार गुरु प्रकट हो गया तो काम बन गया। तो संत मत की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है, गुरु को खुश करना, अंदर प्रकट करना। तो इसके लिए सुमरण ध्यान भजन, बाद में नाम भक्ति चालू होता है। जब गुरु प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, तो शब्द प्रकट होने से फिर सुमरण का कोर्स खत्म हो गया, क्योंकि जबान बंद, मन भी शब्द में लय हो जाता है। तो वहां शब्द सुनते रहो, गुरु का दर्शन होते रहता है, ध्यान धुन, ये दो ही है। सदगुरु का दर्शन होता है, धुन सुनाई देती है, लाइट दिखाई देती है, ज्योति दिखाई देती है, इससे कर्म कटते जाता है, कर्म कटते जाता है। आपको सुमरण करने की जरूरत नहीं, सुमरण खाली यहां कि 9 से निकल के 10 में आने तक। आगे सुमरण जब हमारा जबानी नहीं होती है, बुद्धि लय हो जाती है, तो सुमरण क्या करेंगे? तो वहां लाइट प्रकाश और गुरु प्रकट होता है और उनको देखते रहो, आपका कर्म करते जाता है। तो इसलिए ध्यान और धुन, उसको नाम भक्ति करते। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। अब गुरु भक्ति क्या है? सत्संग सुनना, मिले समय मिले तो सेवा करना और भजन स्मरण करना, ये गुरु भक्ति में आता है। और जब हम सिमट के 9 से 10 में आते हैं, गुरु प्रकट कर लेते हैं, तो गुरु भक्ति का कोर्स पूरा हो जाता है। तो आगे ध्यान और धुन नाम भक्ति चालू होती है, तब सुमरण का कोई जरूरी नहीं, सुमरण करना ही नहीं होता। आप शब्द सुनते रहो, प्रकाश देखते रहो, गुरु का दर्शन करते रहो, उससे कर्म करते रहो, तो वो नाम भक्ति करते हैं। फिर वहां आराम से हम मुक्ति पद पहुंच जाते हैं। पार ब्रह्म वो मुक्ति पद है, जहां जाके हमारी आत्मा काल कंपाउंड पार कर जाती है, मुक्त हो जाती है, अमृतसर स्नान करके निर्मल हो जाती है। तो वो मुक्ति का स्थान है। फिर चौथे में वो तीसरा जन्म और उसके बाद सब लोग बचते। तो चार तीन जन्म अंदर देते हैं सब, यहां नहीं भेजते। हम लोग सोच लेते चलो आगे कर लेंगे, अभी नहीं होता है तो आगे कर लेंगे,
आगे आने नहीं देते सब दुनिया आपको दर्शन देके ऊपर ही लेके जाते हैं, दर कमल में रखते हैं, वो दूसरा जन्म वहां नाम भक्ति करवाते हैं, फिर आगे मुक्ति पद में रखते हैं, वो तीसरा जन्म वहां शरीर नहीं है, यहाँ तो शरीर है, फिर जब वहां से फिर सतलोक दर्शन लेके जाते हैं। इस तरह से आपको बीच बीच में भजन करना ही पड़ता है, भजन बोला तो शब्द सुनते हुए जाता है, उससे कर्म करते जाता है, बहुत स्पीड में कर्म करता है शब्द सुनने में। तो ये सब तरीके अभी तो हमें गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रसन्न कर मन प्रकट करना है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सराहना दिया है, गुरु भक्ति बिना शब्द में पचते तो भी जन मूर्ख जाए। जो गुरु भक्त गुरु को अंदर प्रकट किए हुए शब्द के पीछे पड़ते हैं वो मूर्ख। शब्द खुलेगा गुरु महल से, सुख को खींचे गुरु बलवान, शब्द गुरु के कृपा से खुलता है। तुम लागू प्रयत्न करो कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए पहले गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को अंदर प्रकट करो, तब जाके आगे आपका कपाट खुलेगा, आप गुरु आगे चढ़ाई करेंगे। हम गुरु को बगैर लिए हुए आगे नहीं जा सकते, बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है। कदम कदम पे काल और माया के धोखे हैं, और वो सदगुरु ही हमें संभाल करता है, तो गुरु की हर जगह जरूरत। तो इसीलिए गुरु को प्रकट करने के लिए उनका हुक्म का पालन करना, भजन सुमरण ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे गुरु खुश होता है। जो है साधन करना माने प्रयत्न करना अपना काम है, दया करना उनका काम। लोग कहते हैं गुरु कृपा से बगैर कुछ नहीं होता, बात सच है, रुपए में रुपया सच है, लेकिन गुरु कृपा करने के लिए बैठा है वो जरूर करता है, लेकिन कब करेगा, रात दिन लगन लगाएंगे तब। आप भी सच्चे भगत बनो, आप दुनिया के भगत बन के रात दिन दुनिया की चिंता करके और घंटा आधा घंटा भी गुरु का दया चाहते हो तो सपने में भी नहीं मिले, बगैर लगन लगाए काम नहीं बनता है। संतों ने सब कुछ त्याग के लिए अपने गुरु को पाने के लिए सब, इसलिए गुरु जब आ जाता है उनको सब कुछ मिल जाता है, वो अपनी सारी बरकत लेके अंदर बैठ जाता है, तब उनको कोई कमी नहीं। इसीलिए लोग गुरु का गुण गाते हैं, सब संत अपने गुरु का गुण गाते हैं अपना नहीं, क्योंकि जो गुरु ने कृपा किया है वो बयान से परे है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है सब धरती कागज करो, सारे दुनिया का पृथ्वी का सात जो नौखंड पृथ्वी है उसका पेपर बना के, सात समुन्द्र की मसी बना के, जितने भी पेड़ पौधे दुनिया में है सबका लेखनी बना के, हवा के वेग से भी लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जाता। कबीर साहब ने खुद कहा है जो सतपुरुष है, तुलसी साहब ने भी लिखा है, तुलसी कहें संत हम चिन्ना, दोनों हाथ कान पर देना। कहते हैं तुलसी साहब कहते हैं कोई कहता मैंने संतों को पहचान लिया तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब तक वो अपनी परख आप नहीं दे वो सुजाखा है, हम अंधे। सुजाखा को अंधा कैसे पकड़ सकता है जब तक अपनी उंगली आप नहीं पकड़ाए,
तो इसीलिए ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हमें गुरु की कृपा को पाने के लिए उनका हुक्म का पालन करना बहुत जरूरी है। और उनका हुक्म क्या है? 2.5 घंटे रोज भजन करो। किसके लिए 2.5 घंटा कहा है? दुनियादारों के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और जो साधु जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए 6 घंटा बैठना चाहिए, क्योंकि दूसरे के आधार पे होते हैं बैठे, तो जिसका खाते हैं उसको भी देना पड़ता है। तो उसका आप भजन सुमरण करोगे तो कुछ जाएगा बेचारे का भला होगा, आप नहीं करोगे तो कर्म आपके ऊपर आएगा, फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। तो कहते इसलिए भजन करो। और संत कहते हैं मेहनत की कमाई करके खाके बन खाके दूसरे को खिला के भजन करो। मागन मरण समान है मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला सतगुरु की ऐसी, मांगना और मरना दोनों समान है। आप संतों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, इतने ऊंचे महात्माओं के भी खेती किया, नौकरी किया, अपने आधार के लिए कुछ न कुछ काम करके ही उन्होंने सत्संग चलाया। जब सोमनाथ महाराज 25 साल प्राणायाम साधन करते घूमे थे नाथ पंथ में, योगी थे, रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन शांति नहीं, मन बस में नहीं। तो बाद में कहीं अच्छा गुरु मिलेगा बोल के उत्तर भारत पूरा शोधन किया, सब जगह ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले मिलते थे। तो महाराज के मन में आता है इससे जिससे ज्यादा तो मेरे पास ही है, वहां से निकल जाते बहाना करके, सारा उत्तर भारत हिमालय पूरा छान मारा, घूमते घूमते व्यास में आए। स्टेशन के पास ये योगी थे, योगी लोग कपड़े नहीं पहनते, विभूति रमा के कमंडल जिसको लेके घूमते, अलग लगाते हैं। तो 4 योगी लोग एक छतरे पर बैठ के गांजा पी रहे थे, क्योंकि उनको कपड़ा वपड़ा धोता नहीं, ठंडी बहुत लगती है, तो गांजा थोड़ा गर्म करता है। तो इसलिए उत्तर भारत में जितने भी पीले कपड़े वाले सबको गांजे की आदत होती है। तो बाबा जी भी वो योगियों के साथ गांजा पीते थे, ये गांजा पीते हुए बैठे थे। तो एक स्कूल मास्टर वो कहीं जा रहा था तो देखा ये महात्मा लोग है, चारों योगी, लेकिन इस तरफ के नहीं दिखते, सब काले काले थे, ये तो कोई दक्षिण प्रांत वाले दिख रहे, क्योंकि ये लोग कन्नड़ भाषा में बात कर रहे। तो वो साइकिल खड़ा करके पास गया, बोलता है महाराज हम कहां से आ रहे? तो बोले हम हिमालय पूरा छान के आए, जहां जहां महात्मा है उनका दर्शन करते आए, लेकिन अभी शांति नहीं मिली। बाबा जी ने कहा बाकी लोगों को इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो अपने अपने रिद्धि सिद्धि में मस्त थे, वही बड़े बन के बैठे। तो बाद में वो टीचर ने कहा कि महाराज आपने कितने महात्माओं का दर्शन किया होगा, यही डेरा बाबा जयमल सिंह है 3 किलोमीटर पे, आप वहां जाके उनका भी दर्शन करके जाओ। तो महाराज के मन में बैठ गए, बाकी लोग तो नहीं गए, एक गए। शाम को पहुंचे, सत्संग चल रहा था, बड़े प्रेम से सुना, कुछ समाधान हुआ। दूसरे दिन सुना तो बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिल गए, बहुत सारी शंकाएं चली गई। तो बोले हाँ ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है। और बाद में 1 महीना सेवा किया, सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लगे, जिसको कमंडल रूम में रख दिया। तो बाद में 1 महीने में एक बार शाम शिव महाराज नाम देते थे, तो ये वो भंडारी भंडारी एक थे, उन्होंने इनको भी आगे लेके गए।
कि महाराज बड़ा प्रेमी है और सब कुछ छोड़ के आया है, इसको भी नाम दो। तो बाबा जी देख के हंसे शाम से महाराज, तो कहते हैं क्यों बाबा तू हमें छोड़ेगा नहीं? तो सोमनाथ महाराज कहते हैं कि महाराज अब आपको छोड़ के कोई जगह ही नहीं है कि जहां मैं जाऊं। तो फिर महाराज ने उनको नामदान दे दिया और फिर वो 7 साल वहां पे रहे। उन्होंने प्राणायाम छोड़ के सुर शब्द अभ्यास किया, पहले ही रूप ब्रह्म तक पहुंचे थे। जब आगे का गुरु मिला चेतन संतोष सत्संग गया, तब सत्संग करवाने लगे। विरोध हुआ तो महाराज ने कहा तुम्हें दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, जाओ वहां सत्संग चलाओ। लेकिन पहले जैसे मांग के खाते थे ऐसे मांग के खाना नहीं, मेहनत की कमाई करके खाना, सत्संग करना। तब बाबा जी देखो सिद्ध पुरुष होके बंबई में आए, 5 रुपया बचा था, 5 रुपया तो 5,000 के बराबर आज के उस जमाने में 150 साल पहले थे। तो उन्होंने उसे भूजा हुआ चना टोकरी, एक मट्टी का बर्तन हाड़ी, उसमें आग जला कर उसमें रख के गरम गरम पुड़िया बांध के बांध देते थे, आधा पैसा पैसा समुद्र के किनारे में देते। फिर एक प्रेमी मिला, ले जाकर मिल में काम दिला दिया। मिल में 8 घंटा ड्यूटी करके आके साइकिल पे कपड़ा रख के गली गली बेचने जाते थे, पैसा चाहिए न बाल न बच्चा। देखो बाद में इस तरह कुछ साल पैसा जमा करके उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और एक छोटा सा दुकान लिया बर्लिना का में। लेकिन वो महाराज की कृपा थी, बढ़ते गया 3 दुकान का एक दुकान किया। और वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कम प्रॉफिट पे देते थे, तो इसलिए उनका बिजनेस अच्छा चलता, व्यापारी लोग भी लेके जाते थे छोटे मोटे। तो बाद में खाली वो दुकान में कपड़ा बेच के सत्संगी लोगों में वो बोले हमें बेंगलुरु में आश्रम लेना है, जमीन लेना है। तब कपड़ा ही बेच के 60,000 रुपया ला के दिया लोगों ने उस जमाने में। तो 45,000 में वो आश्रम मिला, 10,000 उसका रजिस्ट्रेशन खर्चा है, 55,000 110 एकड़, उसमें 1,000 आम के पेड़ लगे हुए थे, घोड़े के बड़े बड़े अस्तबल थे, वो मैसूर महाराजा का था, कोई बड़ा ऑफिसर के हाथ में था, उसने बेच दिया। आज वही आश्रम है केंगेरी, वहां बैठ के फिर बाबा जी ने सत्संग चालू किया। आज 14-15 जगह में आश्रम है। तो कहने का मतलब गुरु का हाथ होता है, जब हम हुक्म के ऊपर चलते हैं तो गुरु का सिर का हाथ आ जाता, और हर जगह वो हमारी संभाल करता है, दया करता है हर जगह। तो इस तरह का होना पड़ता है। तो आप गुरुओं को अगर जीवन चरित्र पढ़ के देखो उन्होंने कितना तकलीफ उठाया है। हम बगैर तकलीफ का कहते हैं खाए पिए हर खेल के, पियो मिले तो कौन दुहागन हो। हर खेल खा पी के अगर परमात्मा मिलना होता तो इतना तकलीफ ऋषियों मुनियों को उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी। कंदमूल पत्ते का रस पी के प्राणायाम करके जंगल बाहर में जाके इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़ी। कहते नहीं भाई, बगैर तकलीफ के दुनिया में कोई काम नहीं होता है, और तकलीफ उठाना ही पड़ता है, सहन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो गुरु ने हमें रास्ता दिया है उस पर अमल करें, रोज रोज सत्संग सुने, समय मिले सेवा करें। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है, प्रेम और प्यार से करें और भजन सुमरण में समय। अगर इस तरह से हम अपना जीवन बिताएंगे कामयाबी मिलेगी।
अगर हम गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हम मन के गुलाम हो गए, मन का बात मानते हैं, गुरु का बात नहीं मानते। हम रात दिन मन के कहने में काम कर रहे हैं लेकिन गुरु के कहने में नहीं चल पाते, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्गति, हमें तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां सारी ऊपर आके पड़ रही है। क्यों? कि हम गुरु के ऊपर हमें भरोसा नहीं, मन के ऊपर भरोसा। हम मन का कहना रात दिन मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, और इसीलिए हमारी ये दुर्गति हो रही है। अगर आप गुरु का कहना मानो आपको कोई तकलीफ नहीं, ना दुनिया में ना अंदर में है। कहते हैं दुनिया भी कारोबार में भी गुरु हमारे मदद करता है, उसकी दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है, वो हर जगह हमारी सम्मान करता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो सदगुरु ने कहा है उस पर अमल करें, रोज रोज भजन सुनने में समय दे। गुरुदासन को दास संतन ने कीनी दाया, गुरुदासन को दास संतन ने कीनी दाया, सहज बात कुछ गई नी चुड़ाई नर की माया। इनकी तिनक का कटाच भक्ति बुद्ध जलंद जागी, इनकी तनिक कटाच भक्ति भूतल उर जागी, स्वस्था मन में आई जगत की ब्रह्मना भागी, भक्ति अभय पद दीना सनातन मार्ग वागी, भक्ति अभय पद दीना सनातन मार्ग वागी, अबिरल ओंकार नाम लगे नाक बही टाकी, पलटू ज्ञान न ज्ञान तप महापुरुष की आस, पलटू ज्ञान न ज्ञान तप महापुरुष की आस, जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरुदासन को दास। तो वही बात में कहते हैं भाई, जोग जुगत और ध्यान भी नहीं और हम दास बनना चाहते हैं तो हम कैसे दास बनेंगे? तो कहते हैं गुरुओं को दास बनने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, दुनिया से अपने मन को तोड़ना, सदगुरु के चरणों से जोड़ना। क्यों? दुनिया छूटी है, नाश तो आने, कितने जन्म हमने दुनिया को दिया, अगर एक जन्म सदगुरु को दे दें, कितने सिर हमने माया को दिया, अगर एक सिर गुरु को दे दें तो बेड़ा पार हो जाए, इसी जन्म में सतलोक सचखंड पहुंच जाए। तो इसीलिए आप कहते हैं कि योग युगत साधन नहीं और बनना चाहते हैं दास, तो दास कैसे बन सकते हैं जबकि न गुरु का हुक्म मानते हैं न उनका बताया हुआ साधन करते हैं। हम कभी किसी ने ढाई तीन घंटे की बैठक बनाया, अगर गुरु से प्रेम होता तो ढाई घंटा नहीं तीन घंटा बैठता था, क्योंकि भजन को हम बोझा समझते हैं, एक ड्यूटी समझ के करते हैं, ड्यूटी नहीं ये अपना सच्चा काम है, जिस काम के लिए परमात्मा ने सुंदर समय दिया है, ये ना करके बाकी करके कोई फायदा नहीं। बाकी सब दुनिया के सामान, दुनिया का मोह, दुनिया का आशा दुनिया में लेके आएगी, नाम की आशा गुरु का प्रेम ये उस मालिक से मिलाएगा। इसीलिए चाहिए कि जो सद्गुरु ने कहा उस पर अमल करें, भजन सुमरण करें।
पलटू ज्ञान न ज्ञान तब महापुरुष की आस, पलटू ज्ञान न ज्ञान तब महापुरुष की आस, जोग जुगत ना ज्ञान ज्ञान कछु गुरुदास निको दास। सत्संग का आज का कार्यक्रम ये अभी प्रसाद बांटा जाएगा। कल से आप जैसे सभी को पता है हमारे बड़े गुरु परम संत सतगुरु जय सिंह जी की पुण्यतिथि के रूप में ये बधाई का कार्यक्रम होता है। 5, 6 और 7 तीन दिन का ये कार्यक्रम होगा। कल के जो कार्यक्रम होंगे वो इस प्रकार रहेंगे, सुबह 7 से 8 बजे भजन सिंह का कार्यक्रम बाबू जी के साथ यहीं पर होगा। दिन में 10:30 से 11:30 बजे सत्संग का कार्यक्रम बाबा जी के साथ यहीं पर होगा। शाम का जो सत्संग है इसी तरह 5:30 से 6:30 बजे। सभी संगत के चरणों में बेनती है कि आश्रम की साफ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ आने का जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भजन सुनो, संगत की सेवा और सत्संग सुनने मिलता है। राम राम। गुरु के शासन में बाबा जी आपके बीच में अपने जब तक हूँ के अंदर ये तब तक कोई भी अपने स्थान से जा नहीं।
Thank you.